हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अक्षय एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम सीखेंगे हम यहाँ पे मंथली रूम का रेंट डिटेल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमने यहाँ पे एक शीट बनाई है जिसमें हमारे पास रूम्स के टोटल डिटेल्स है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट डिटेल है एज अ रूम नंबर। सो यहाँ पे रूम नंबर शो हो रहे हैं एज वेल एज कस्टमर नेम्स भी है हमारे पास। उसके साथ साथ ही उस रूम का रेंट कितना है मंथली, ये भी यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया हुआ है। और साथ ही साथ हमारे पास है स्टेटस, जो कि जिस किसी ने भी, जिस व्यक्ति ने यहाँ पे जो रूम में अभी रह रहा है उसने यहाँ पे रेंट पेड किया है क्या नहीं, उसके डिटेल्स भी हमारे पास है। सो अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि टोटल सभी रूम को मिला के, टोटल हमारे पास 16 रूम है, तो 16 रूम में से कितने रूम के रेंट हमें अभी यहाँ पे हमें पेड हुआ है। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक्सेल का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे इक्वल टू साइन लेंगे एंड यहाँ पे हम सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो सम इफ में टाइप कर रहा हूँ, आई एम प्रेसिंग ऑन टैब, सो दैट फॉर्मूला यहाँ पे हमें अपियर हो गया। सो दैट फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे रेंज। सो हम ये हमारे यहाँ, ये हमारी रेंज है कंप्लीट। से हम रेंज का कॉलम सिलेक्ट किया एज अ स्टेटस, उसके बाद अगेन टेक द कॉमा। यहाँ पे हमें क्राइटेरिया लगाना है कि कितने लोगों ने यहाँ पे रूम का रेंट पेड किया है। सो यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में पेड लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट एंड अगेन टेक द कॉमा। उसके बाद हमें यहाँ पे सम रेंज देनी है। सम रेंज मींस उसका कैलकुलेशन करना है कि टोटल कितना रेंट पेड हुआ है। उसके लिए हम यहाँ पे ये जो रूम रेंट का कॉलम है इसको हम टोटल सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे एंड जस्ट इंटर। सो दैट अभी यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि टोटल अभी तक हमें यहाँ पे 21,900 रुपये पेड हुए हैं टोटल रूम का रेंट एज अ। सो उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल ड्यू रेंट कितने हैं, अभी तक कितने लोगों ने अभी तक रेंट नहीं दिया हुआ है या कितने रूम्स का अभी तक रेंट हमें हमारे तक आया नहीं है। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, सम इफ, और इसमें सिमिलर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट तो हम रेंज सिलेक्ट करेंगे एंड टेक द कॉमा, उसके बाद हम यहाँ पे क्राइटेरिया लगाएंगे एज अ डबल इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैंक है, सो डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, अगेन टेक द कॉमा एंड यहाँ पे सम रेंज हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एज अ रूम रेंट एंड ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे एंड जस्ट इंटर पे क्लिक करेंगे। सो तो यहाँ पे अभी हमें शो हो रहा है 33,550 रुपीज यहाँ पे अभी तक हमें आने बाकी है एज अ रूम रेंट। सो अगर हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा टोटल रूम रेंट कितना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एज अ सम का फॉर्मूला ही यूज करेंगे, हम सम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो आई एम प्रेसिंग ऑन टैब, यहाँ पे हम लेंगे दोनों कॉलम्स को ऐड करेंगे, टोटल पेड रेंट एंड टोटल ड्यू रेंट एंड ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे एंड जस्ट क्लिक ऑन इंटर। सो दैट हमारे टोटल रूम का रेंट कितना आ रहा है अभी, 55,450 रुपीज, इतना हमारा टोटल रेंट है। और इसमें से अभी हमें ड्यू रेंट इतना है कि 33,550 रुपीज हमें आने बाकी है। सो इसी प्रकार से आप आपका होटल रहने दीजिए या आपका रूम रेंट रहने दीजिए, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इफ फॉर्मूला एज वेल एज आप अगर टोटल रेंट कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आप टोटल रेंट के लिए सम का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सो होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर येस तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।